वेल न्यूज सेंटर पर आपका स्वागत है। डीआरएम के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज। कोटा रेल न्यूज में पब्लिश एक समाचार के अनुसार जमीन धोखाधड़ी के मामले में डीआरएम के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज हुई है। कोटा रेल न्यूज के अनुसार कोटा मंडल रेल प्रबंधक श्री मनीष तिवारी के खिलाफ रेलवे कॉलोनी थाने में जमीन धोखाधड़ी, अवैध कब्जा और SC ST एक्ट में मामला दर्ज हुआ है। कथित न्यूज के अनुसार डीआरएम के साथ वरिष्ठ खंड अभियंता सुदीप शर्मा के खिलाफ भी यह रिपोर्ट दर्ज हुई है। दोनों के खिलाफ 420, 418, 435, 447, 442 तथा धारा 3 लगाई गई है। यह रिपोर्ट पुरोहित की तापरी निवासी कन्याबाई ने इस्तगासे के जरिए दर्ज करवाई है। शिकायतकर्ता ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि शिवाजी कॉलोनी में उसके पास उनकी पुश्तैनी जमीन है। करीब 2 साल पहले इस जमीन का सीमांकन करवाया गया था। सीमांकन के समय मौके पर रेलवे अधिकारी, RTF, तहसीलदार और पटवारी आदि सभी जिम्मेदार लोग मौजूद थे। सीमांकन के बाद कन्याबाई ने अपनी जमीन पर मुड्ढी आदि लगाकर फेंसिंग कर ली। रेलवे ने बाद में इस सीमांकन को मानने से मना कर दिया। इसके बाद रेलवे ने JCB की मदद से फेंसिंग को तोड़कर कन्याबाई की जमीन पर अपना हक जता दिया। इसके बाद कन्याबाई ने मामले की शिकायत रेलवे कॉलोनी थाना और शहर पुलिस अधीक्षक को की, लेकिन किसी ने भी रेल अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करना जरूरी नहीं समझा। इसके बाद कन्याबाई ने ST/SC कोर्ट में इस्तगासा दायर कर दिया। इस्तगासे के बाद कोर्ट ने डीआरएम और इंजीनियर के खिलाफ मामला दर्ज करने के आदेश दिए। इसके बाद मंगलवार को थाने में यह मामला दर्ज हुआ और इसका जांच ST/SC एक्ट से जुड़ा होने के कारण शहर पुलिस उपाधीक्षक शिव सिंह कर रहे हैं। बुधवार को शिव सिंह ने कन्याबाई के बयान दर्ज किए। कन्याबाई ने शिव सिंह को पूरे घटनाक्रम से अवगत कराया। कोटा रेल न्यूज के अनुसार डीआरएम तिवारी पहले भी कर चुके हैं कानून के उल्लंघन, उन पर यह पहला आरोप नहीं है। इससे पहले तिवारी के खिलाफ एक लीज ठेकेदार के रुपए न लौटाने के कोर्ट के आदेश की अवमानना का मामला भी सामने आ चुका है। इसके चलते गत वर्ष अगस्त में कोर्ट ने तिवारी की कार आदि कुर्क करने के आदेश दिए थे। इसके बाद उनका कार को कुर्क भी कर लिया गया था। हालांकि सीनियर DCM रोहित मालवीय द्वारा कुर्की वारंट पर हस्ताक्षर नहीं करने से बाकी सामान कुर्क होने से रह गया था। उसके बाद रेलवे के स्टे के बाद कुर्क कार को छोड़ दिया गया था। यह संभावतः पहला मामला था जब किसी डीआरएम की कार कुर्क हुई हो। वर्तमान में मामले की जांच की जा रही है।